पुलिस थाना घुमारवी के तहत पड़ने वाले घुमारवी सरका घाट सुपर हाईवे पर पनियाला के समीप एक सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक स्कूटी पर सवार थे और दोनों युवक घुमारवी स्थित एक आईटीआई में पढ़ते हैं। आईटीआई से छुट्टी होने के उपरांत दोनों युवक स्कूटी पर सवार होकर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब इनकी स्कूटी पनियाला शिव मंदिर से थोड़े पीछे थी तो कुठेड़ा की तरफ से एक कार आई और इस मोड़ के ऊपर कार और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से ऊपर से होती हुई डांग से नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को वहां से गुजरने वाले लोगों ने नीचे से उठाया। लोग दोनों को उठाकर सड़क पर लेकर आए। स्थानीय लोगों ने युवकों को एक गाड़ी में डाला और सिविल अस्पताल घुमारवी लेकर आए। इस दुर्घटना की सूचना पुलिस थाना घुमारवी को दी गई। पुलिस थाना घुमारवी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। दोनों घायल युवकों की पहचान रवि कुमार पुत्र दीप राम निवासी गांव मटियाल तथा अमीश कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी टटोह बताई जा रही है। इस सड़क दुर्घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है तथा उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई है, दूसरे युवक की बाजू फ्रैक्चर हो गई है। सिविल अस्पताल घुमारवी में चिकित्सकों ने घायल युवकों को प्रारंभिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया है। डीएसपी घुमारवी राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। स्वारघाट उपमंडल के माकड़ी गांव के निवासी वृद्ध चरण सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बिलासपुर के परिचालक पर पूरे पैसे लेकर टिकट कम देने और दुर्व्यवहार करने की आरोप लगाए हैं। चरण सिंह ने नैना देवी में पत्रकारों को बताया कि वे मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है और जब मजदूरी करने के उपरांत शाम को खाल स्लोवा से अपने घर माकड़ी के लिए रवाना हुआ तो एचआरटीसी बिलासपुर की बस जो 5:30 बजे नैना देवी से नंगल के लिए चलती है उस बस में सवार हुआ और परिचालक ने माकड़ी तक मुझे 13 रुपए देने के लिए कहा। मैंने उसे 13 रुपए दे दिए लेकिन टिकट नहीं दी। बार बार टिकट मांगने के बावजूद नहीं दी, लेकिन जब माकड़ी के पास पहुंचा, फिर टिकट मांगी तो 13 रुपए की बजाय 5 रुपए की टिकट दी। जब मैंने पूरी टिकट मांगी तो परिचालक ने उससे दुर्व्यवहार किया और कहा कि जहां भी शिकायत करनी है करो। चरण सिंह ने कहा कि ये घटना 13 मई की है। उसने मांग की है कि इस घटना की जांच की जाए और दोषी परिचालक पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई ऐसा दुर्व्यवहार सवारी के साथ न करे। बिलासपुर शहर में चलाए गए सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अभियान के तहत एक टीम का गठन किया गया है। जो टीम रोजाना वार्डों में जाकर लोगों को सूखा कूड़ा व गीले कूड़े के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद की ईओ उर्वशी आलूवालिया ने बताया कि इस अभियान के तहत हमारी टीम रोजाना वार्डों में जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सूखा कूड़ा व गीले कूड़े के बारे में समझाया जा रहा है। उर्वशी आलूवालिया ने बताया कि लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी समझ नहीं रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं, उनको जुर्माने के बारे में बताकर समझाया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाते हैं। अभी तक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ 25-26 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो इनके चालान किए जाएंगे। बिलासपुर में कचरे की मात्रा काफी कम हुई है और हाल ही में प्लास्टिक का कूड़ा एसीसी कंपनी को 4 क्विंटल दिया गया है। बाकी गीला कूड़ा खाद बनाने के लिए काम में प्रयोग किया जा रहा है।